नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दरअसल जनपद शामली के थाना कैराना कांधला शामली व जिजाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे हुए हैं। शामली सड़क दुर्घटनाओं में 12 घंटों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पहली घटना कांधला थाना क्षेत्र की है, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक पत्नी व 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला मार्ग की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना जिजाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे की है, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों की टक्कर बाइक से हो गई, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं चौथी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग की है, जहां पर कैराना से लौट रहे डॉक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य युवक घायल हो गया। और पांचवी घटना में खेड़ी कर्मो के निकट पानी पता से बेचकर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ा दिया, जिसमें युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सड़क दुर्घटनाओं का कारण जल्दबाजी व तेज गति माना जा रहा है। घायल युवकों को स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नहीं आए जी, उनकी जय गिरफ्तारी हो, अज्ञात वाहन ने वैसे चोट लग गई, 3 बच्चे जो है घायल हैं और उसकी घरवाली भी जो है सीरियस ही है। ये उधर से जो है अपनी रिश्तेदारी में से पता लेकर आने लग रहे थे, शाम के टाइम जो है करीबन 6:30 बजे के नानूपुरी गेट के नजदीक जो है अज्ञात वाहन ने जो है ना चोट मार दी और बाबू उससे जो है इसकी डेथ होगी वहाँ से, बल्कि 100 नंबर की गाड़ी जो है यहाँ से हॉस्पिटल में लाई थी ना, पुलिस के द्वारा ही मिले हमें तो जो है पता लगा। अच्छा, अब इस वाहन चालक पकड़ा गया? अभी कुछ नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया जी, हमें पता ही नहीं इस बारे में कुछ भी। वो पीछे से वो तेजी में था ट्रक। अच्छा, और कहीं पीछे भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह कर का गड्डी वाला वो खटक जो पानी पता सेवा कर बेचे और उसके जाकर सीधी चक्कर मारी पीछे से आ गए। हाँ, पीछे से आ गए तो बिल्कुल उसके तो बिल्कुल यहाँ तक का हो गया। हाँ, मौके पर एकदम था, मजदूर आदमी था, कोई बड़ी माता का बताया है, कोई बड़ी माता ये लड़का अलीपुर का रहने वाला, ये दोनों इसकी पत्नी और ये बाइक पर आ रही थी, इसका रास्ते में कहीं बिजली कटके आसपास एक्सीडेंट हो गया और मौके पर इसकी डेथ हो गई। इसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है जो कहीं प्राइवेट में उपचार है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव रहकड़ा का है, जहां सोमवार शाम को एक युवक ने गांव की एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती को तमंचे के बल पर आतंकित कर अपहरण कर लिया और पास के ही एक गांव में ले जाकर बंधक बनाकर पूरी रात युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दिन निकलने पर आरोपी युवक समर युवती को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। घर लौटने पर पीड़ित युवती ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर पीड़ित परिवार ने थाने में पहुंचकर नाम दर्ज मुकदमा लिखवाकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक समर को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। रेकड़े में एक लड़की काखागा के खिलाफ ने कल्लू के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखाया है और जिसकी विवेचना SI वीर सिंह कर रहे हैं और मुलजिम निकट भविष्य में जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। लड़की डॉक्टर के लिए भेज दिया गया है, जो कार्रवाई होगी पूरी अमल में लाई जाएगी, सही कार्रवाई की जाएगी। थाना भोपा क्षेत्र में लगातार बलात्कार के मामले आ रहे हैं सर। अब ये है कि समाज बदल रहा है और कुछ ये मोबाइल से भी कुछ चेंज आया है लोगों में, यही है बस और कुछ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भाकियू के पदाधिकारियों के साथ नवीन मंडी स्थल पर पहुंचे। पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ एजेंट किसानों का गेहूं कम मूल्य पर खरीदते हैं, जबकि सरकार द्वारा तय रेट 1,735 रुपए क्विंटल है, जिससे किसान का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सरकारी गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने प्राइवेट केंद्रों को भी निरीक्षित किया, जिस पर उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं
और कमियां मिलने पर रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। वहीं उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी। हाँ, देख रहे हैं कि मंडी में किसानों को क्या समस्या है, उसका गेहूं ठीक उससे तुल भी रहा या प्राइवेट उस पर जा रहा है, तो उसमें इसमें क्या अंतर है, ये सारी चीजें देखने आए। कांटे पर ठीक तुल लाया, कोई समस्या तो नहीं है, पीने का पानी है, तो ये सारी चीजें देखने आए यहाँ मंडी जो मुजफ्फरनगर में है, कुकड़ा मंडी में। इस नाम यहाँ पे है आज, अभी देख रहे भाव पे। अभी तो यहाँ ये गवर्नमेंट वाली है, ये 1735 रुपए दे रहे हैं। अभी वहाँ पे भी जाकर देखेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट बना के सरकार को देंगे कि सरकारी मंडियाँ हैं, सरकारी लाइसेंस है, सरकार ने रेट निर्धारित कराए तो उससे कम रेट पे बिकना नहीं चाहिए, ये एक देश में कानून बनना चाहिए। लेकिन पता चला कि करीब 150-200 रुपया कम पे यहाँ खरीद हो रही। अभी जाकर उसको देखेंगे, चेक करेंगे और उससे कम पे खरीद हो रही तो कौन उसको खरीद कर आ रहे, किस कानून के तहत ये हो रहा है, ये सारी चीजें बताए। आरोप लगते रहते हैं, तौली बोले के कम तोला जा रहा है, कम तोला जा रहा है, कुछ तरह की कोई चीज पकड़ी गई है? नहीं, देख रहे यहाँ तो ये जिस हिसाब से जितने की बोरी है वही यहाँ पे है, अभी तो ज्यादा ये नहीं मिला। परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नगर के महावीर चौक पर भारत स्काउट गाइड द्वारा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें स्काउट गाइड सहित एआरटीओ राजीव कुमार बंसल भी मौजूद रहे, जहां स्काउट गाइड द्वारा वाहन चालकों को भी सड़क सुरक्षा नियमों से छपे पंपलेट बांटकर जागरूक किया, जिसमें ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना वाहन चला रहे चालकों को जागरूक किया गया, वहीं सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के 30वें दिन आज सीट बेल्ट और हेलमेट एक रूप में मनाया जा रहा है। आज एनसीसी, एनएसएस, जीआईसी और कई सारे स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया और टू व्हीलर से संबंधित हेलमेट का प्रयोग करें तो उसके स्टीकर लगाए गए और कार और चौपहिया वाहनों पर सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं, इस तरीके के स्टीकर सभी वाहनों पर लगाए गए। इसके अलावा रोड सेफ्टी से संबंधित बहुत सारे लीफलेट्स, इसमें अलग अलग तरह के मैसेज रोड सेफ्टी से संबंधित लिखे हुए थे, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करके जागरूक किया गया, जिसमें कई सारे हमारे सहयोगी एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, जीआईसी कॉलेज और बहुत सारे स्कूलों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यातायात के नियमों का जो पालन नहीं कर रहे उसके लिए किया जा रहा है, और हेलमेट लगाने के लिए और सीट बेल्ट लगाते हुए जो कर रहा है, इन नियमों का पालन कर रहा है उसकी तो सुरक्षा हो जाएगी, और जो नहीं कर रहा है उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पर स्टीकर लगाकर और पर्चे देकर उन्हें करें। जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी मुझे फनागर। आज कहाँ पर ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं? शिव चौक पर, महावीर चौक पर हो रहा है और कल शिव चौक पर थे हम। मामला शाहपुर ब्लॉक के गांव हरसोली का है, जहां पिछले कई वर्षों से लोग जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल गांव के अंदर 10 तालाब बनाए गए थे, जिसमें से 7 तालाबों पर अवैध रूप से कब्जे कर मकान बना लिए हैं। वहीं कई दबंग लोगों ने जमीन को कब्जा लिया है, जिसके कारण लोगों के घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं हो पाती और गांव में जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिसकी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की और तालाब को कब्जा मुक्त कराकर जल निकासी की सुविधा कराने की मांग की, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं ग्रामीण रोजाना पटवारी सहित अन्य अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। अब ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी राजीव शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। ये समस्या आज तक नहीं, बहुत दिनों से हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, राख प्रधान तो बने हमारे 25 इस मोहल्ले का ही करता, वो कुछ है नहीं। रही आगे तालाब था बहुत लंबा छोटा, वो लोगों ने घेर लिया, वहाँ अपने मकान बना लिए, पानी निकासी खत्म होगी। पानी निकासी का समाधान है अगर प्रधान रास्ते को जहाँ से जहाँ तक पानी जा रहा है एक लेवल का रास्ता बनावे तो पानी निकल जाएगा। अब टुकड़ों में बनावे, एक बार बना दिया 5 साल, फिर नहीं बना तो 5 के 5 साल लोगों को जो है पानी में चलना मिल लिए। प्रधान के यहाँ करवा दूंगा, कभी गए मैं नहीं करवा पाता, जब वो करवा नहीं पाता कुछ लोग अपने बैरा के मिट्टी रोड़े गिर गए चलने के लिए सूखा करें, जब वो सूखा करेंगे पिछले का पानी भर जाएगा, पिछला करेगा उससे पिछले का भर जाएगा। तो क्या कारण है प्रधान? सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रधान रास्ते को एक लेवल का नहीं बना पाता। लिकड़ने का फजीता हो रहा है मेरा, मैं तो गिर भी गई, हाथ में टूट गया मेरा, बोला और मच्छर खावा है रोड पर, देख कितना सूजन आ रहा है, परेशानी है बहुत। कितना पानी भरा हुआ है आपके यहाँ पे? पानी भर रहा है और क्या, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं है।
इसकी शिकायत आपने ग्राम प्रधान से करी? अरे प्रधान ही क्या करे बेचारा, उसने कुछ आश्वासन दिया होगा कुछ? यार कई बार कहूँ मतलब बुग्गी में जो बैठ के मगर ऐसा कर ला कर ला। अब तक समाधान नहीं हो पाया, कुछ नहीं होया। तो इस पानी के भरने की वजह से आम मोहल्ले पड़ोस में आदमी बीमार भी हो रहे होंगे। और बीमार हो रहे हैं। पानी भरने का क्या कारण है यहाँ पे? हाँ पानी भरने का कारण नहीं है कहीं जोड़ बड़े पड़े आगे जोड़ तो नहीं। ये आगे जो रास्ता है वो ऊंचा बना हुआ है, पीछे जो रास्ते हैं वे घेरे हो गए हैं, वहाँ से रोडे घेर के पीछे पानी भर गया है। ये कार्य जो हमें डाला हुआ है ये सब एक लेवल में बनाया जाएगा दूर से दूर तक। इस तौर पे आगे जो है नाला एक लेवल में जहाँ ऊंचा है उसे नीचा करा जाएगा, एक लेवल में रास्ता बनाया जाएगा। गाँव में कुछ तालाब भी है, तालाब के ऊपर गाँव के लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या मामला है उसका? जो है मामला कोर्ट में चल रहा है, उनके ऊपर 122 भी कर रखी है। गांव में कितने तालाब हैं जो लोगों ने कब्जा कर रखा है? गांव में 8 तालाब है। 8 तालाब पर कब्जा कर रखा? नहीं, सब पर नहीं है, कब्जा सारों पर ही है। एक बात बताइए प्रधान जी, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर जो है स्वस्थ हो, हर देश स्वस्थ हो, और उसके बाद भी जो है आप गाँव के अंदर कोई भी योजना नहीं चला रहे, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। इसमें से प्रशासन के सहयोग से रास्ता बनाया जाएगा, जहाँ से ऊंचा है उसे उखाड़ के जो है लेवल में बनाया जाएगा। कब तक बनाया जाएगा? कार्य योजना है डीएम के यहाँ भेजी हुई है, जैसे ही अपलोड होगी जैसे ही काम शुरू करा जाएगा। स्कूल के छोटे उसमें रास्ते की जो है आगे सफाई चल रही है। जिलाधिकारी राजीव शर्मा के आदेशों पर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा और सीओ सिटी हरीश भदौरिया के नेतृत्व में पालिका टीम द्वारा नगर के नावाल्टी चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान अतिक्रमण पर महाबली जमकर गर्जा, जहां टीम द्वारा सभी अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने सभी को दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी। आज अभियान चल रहा है सू चौक से लेके सहारनपुर बस स्टैंड, मेडिकल तिराहा, अंतर तिराहा, इन सब इलाकों में अनुमति अभियान चलाया जा रहा है। कुछ जगह पे हटा दिया गया लेकिन फिर वहाँ अतिक्रमण शुरू हो गया। देखिए, पहली बार हम समझा बुझा हटा रहे, दूसरी बार जुर्माना करवाएंगे, तीसरी बार नहीं, अगर इसको मौजूद नहीं मानते उनके खिलाफ FIR कर। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना चौकी क्षेत्र का है, जहां बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से गोवंश की तस्करी कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर नवनियुक्त चौकी प्रभारी राकेश कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ बधाई मोड़ पर पहुंचे, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 4 पिकअप गाड़ियों को रोक लिया, जिसमें से पुलिस ने 13 गाय और 8 बछड़े बरामद किए। वहीं पुलिस ने गाड़ी सवार 6 लोगों को भी हिरासत में ले लिया। मामले की सूचना पर शहर कोतवाल अनिल कपरवान और SSI समयपाल अतिरि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले आई। वहीं पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला तहसील बुढ़ाना के गाँव हुसैनपुर कला का है, जहाँ नियाज अली पुत्र मामुद्दीन गाँव में टेंट की दुकान करता था और वही पास में युवक का कोल्हू भी है, जिसके चलते पीड़ित के गोदाम के ऊपर से जा रही 11,000 लाइन के तार जर्जर हालत में लगे हुए थे, जिसके चलते पीड़ित ने बिजली विभाग को 11,000 लाइन को ठीक करने के लिए कई बार सूचना भी दी, जिसके बावजूद बिजली विभाग ने सूचना देने पर भी युवक की बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते आज 11,000 लाइन के तार टेंट के गोदाम के ऊपर गिरने से गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके चलते गोदाम में रखा लगभग 50 लाख का सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने भी भीषण आग लग जाने के चलते बिजली विभाग को विद्युत बंद करने के लिए सूचना दी, जिसमें बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद विद्युत को बंद किया गया और फायर ब्रिगेड को भी गोदाम में लगी भीषण आग की सूचना दी। वहीं फायर ब्रिगेड ने भी सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पहुंचकर खाना पूर्ति की है, जब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने घटना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से भीषण आग में सामान जलने से हुए नुकसान के चलते मुआवजे की मांग की है। ये ग्राम सनपुर कलाम तासीम अहमद के घर में जो है शॉर्ट सर्किट होने से 11,000 की लाइन गिरने से जो है भारी मात्रा में जो है नुकसान हुआ, आग लगी। ग्रामवासियों ने, स्थानीय लोगों ने समग्र एकाग्रता दिखाते हुए, संपूर्ण एक सौहार्द की भावना दिखाते हुए सबने भरसक प्रयास के साथ
आग पर काबू पाया, साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी लगी और पूरे सामान का जो क्षति उड़ती हुई है उसका अवलोकन कराया जा रहा है और शीघ्र इसकी रिपोर्ट तैयार करके दी जाए। बहुत मात्रा में नुकसान है, अभी पूरी तरीके से इसका अवलोकन हो नहीं पाया है, जैसे अवलोकन होता है इसकी रिपोर्ट तैयार करके शासन को दी जाए। इसमें फायर सर्विस जितनी शीघ्रता से कर सकती है फायर सर्विस पूरी शीघ्रता के साथ ग्रामवासियों की मदद के लिए पहुंचे। ये बिजली का तार 11,000 का है जी, बिल्कुल गले पड़े। अच्छा। हमने ना 10 फेरी कह लिया जी बदल दो, पैसे लेकर बदल दो या वैसे बदल दो। ये कहते हैं जी ये तो नहीं रहेंगे, ना तो हम इनको बदलेंगे ना इन्हें तारेंगे, ये झूके तू यहीं लगे रहेंगे, तुम मरो या बचो कुछ ही हो। अच्छा, तो आज एक तार टूट गया पूरे गोदाम में, 120 फुट लंबा गोदाम है जी मेरा, 45 फुट चौड़ा है जी, इसमें सामान था जी 50,00,000 का कम से कम, सब जल गया जी, 3-4 मोटरसाइकिल बहुत सामान था जी, सारा राख हो गया जी जल गया। हाँ जी बिजली वालों की लापरवाही जी, सारे तार गले पड़े जी, जगह जगह जोड़ है जी, 11,000 मतलब जोड़ होते भी नहीं कहीं भी। बिजली विभाग को सोचना दी, हाँ कोई नहीं, आज ही बिजली वाला बिजली हमने सिट डाउन मंगा जी, पूछ रहे कौन हो तुम, आग कैसे लगी, कहाँ लगी आग, इतने यहाँ सब कुछ जल गया जी, कुछ नहीं करी जी, जब सब सामान जल गया जी, जब लाइट बंद करी जी। अच्छा जी यहाँ जो है ना जेई पे यहाँ कोई नहीं है जी, तो गांव के पब्लिक आई जी, हमारे मोहल्ले के और भी कुरेजी हैं यहाँ पे, बहुत गांव के सब लोग आए जी, उन्होंने पानी वानी छिड़का जब आग बुझी, जब तक सब सामान जल चुका था रात। अच्छा, जी जी पुलिस को भी दी आगे दीजिए, पुलिस भी फिर आग बुझाने को आया जी, वो मिलने का कुछ नहीं दिया जी, बस सामान लिख के ले गए जी, हम कार्रवाई चाहते जी, एक तो लाइन हट जाए यहाँ से और जो हमारा नुकसान हुआ जी हमें अर्जेंट में मिल जाए। मंगलवार शाम पुलिस विभाग में बड़ा फेर बदल किया गया था, जिसमें मीरापुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह का भी स्थानांतरण मेरठ रेंज में कर दिया गया है, जिसको लेकर मीरापुर थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रेस क्लब मीरापुर के पदाधिकारी और सदस्यों ने अरविंद कुमार सिंह को फूलमाला पहनाकर और शॉल भेंटकर भावभीनी विदाई दी। वहीं नवनियुक्त थानाध्यक्ष मनोज चौधरी का भी सभी ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरविंद कुमार सिंह ने मीरापुर क्षेत्र के जनता, पत्रकारों और सभी स्टाफ का धन्यवाद किया। बुधवार को मेरठ रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष सतीश गर्ग सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां 29 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें भारी संख्या में लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया गया। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। दरअसल केंद्र और प्रदेश में बड़ी घटनाओं के विरोध में कांग्रेस लखनऊ में जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। ये जो मीटिंग हमने आयोजित की है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं साथ कांग्रेस शहर, कांग्रेस एक और जिला सेवा दल के और प्रदेश के सेवा दल के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारी 29 तारीख में रामलीला ग्राउंड दिल्ली पर रैली होनी है, जन आक्रोश रैली, तो उसमें जो यहाँ से लोगों को हमें लेकर जाना है और उस रैली में पहुँचना है, उसके संदर्भ में लेकर आज मीटिंग की, क्योंकि पिछले 4 सालों में आप देख रहे हैं कि किस तरह जन आक्रोश बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल गैस सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, दिन पे दिन कानूनता ख़त्म हो चुकी है, रामराज देने वाली सरकार के ही MLA रेप कांड में फंस रहे हैं, ऐसी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, ऐसी सरकार आज तक ना बनी है ना देखी होगी लोगों ने, झूठे वादों से बनकर ये आई, जनता इसे उखाड़ने मूड में आ गई है, उसे सचेत करने के लिए, उसी को जगाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने रैली का आह्वान किया, जो स्वयं उसको संबोधित करेंगे। हमारे यहाँ से कितनी गाड़ियाँ जाएंगी? हम करीब करीब 10 बसें और 50-60-70 कार जो भी हो सकती हैं उसका इंतजाम में लगे हुए हैं, कार सो भी हो सकती है, फिर भी जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना करेंगे। मुजफ्फरनगर में नगर के शिवचौक स्थित संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यालय पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष पंकज भारद्वाज को जिला संयोजक नियुक्त किया गया, जिनका सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पंकज भारद्वाज ने पार्टी के साथ समाज में एकता व भाईचारा कायम करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। हिंदू मोर्चा की बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के जिला सह प्रभारी पंकज भारद्वाज जी को संयुक्त हिंदू मोर्चा का संयोजक बनाया गया है, सभी की सहमति से आज निर्णय लिया गया है। पंकज भारद्वाज जी पिछले 18 वर्षों से हिंदू कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पंकज भारद्वाज जी के नेतृत्व में संयुक्त हिंदू मोर्चा सभी हिंदुत्व की लड़ाई को मजबूती से लड़ता रहेगा। कल जो है पंकज भारद्वाज जी के नेतृत्व में कपिल देव अग्रवाल जी से जाकर मांग करी जाएगी कि जिस तरह एक हिंदू कार्यकर्ता सुनील तैल जी की लाठीचार्ज कर पिटाई करी गई
और उसके बावजूद वो अधिकारी आज तक जनपद में ही है, तो विधायक जी से आगे मांग करी जाए कि ऐसे विधायक को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।